शादी करने का फैसला किसी के लिए भी जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है। ये फैसला किसी भी इंसान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर आपकी लव मैरिज हो तो आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन अगर आपकी अरेंज मैरिज हो तो आपको अभी बहुत कुछ नहीं पता होगा। आप एक या दो मुलाकात से पता नहीं लगा पाएंगे कि आपका पार्टनर कैसा है या फिर कैसी है। जिसके साथ आपको अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, उसका नेचर जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। आपको एक ऐसे पार्टनर का चुनाव करना होता है जो हमेशा आपका साथ दे, आपको हमेशा समझे। हर कोई चाहता है कि उनका पार्टनर उनसे बहुत प्यार करे और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सके। देखा जाए तो लव मैरिज में समस्याएं कम होती हैं, लेकिन जब बात अरेंज मैरिज की होती है तो यहाँ हालात थोड़े बदल जाते हैं। जहाँ शादी से पहले पार्टनर से कई बातों पर डिस्कशन जरूरी होता है, तो चलिए समझते हैं वो बातें क्या है। दरअसल शादी के लिए जल्दबाजी ठीक नहीं होती और ना ही एक ही झटके में किसी भी रिश्ते के लिए हाँ करना ठीक होता है। सोच समझ कर और आपस में बात करने के बाद ही ये फैसला लेना चाहिए। शादी अरेंज हो या फिर लव, आपको अपने पार्टनर से खुलकर कुछ बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए। हमारे समाज में लोग आज भी लव मैरिज को तवज्जो नहीं देते। लोग चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी लव मैरिज ना करे, बल्कि वो अरेंज मैरिज करे। ऐसे में बहुत से लोगों के साथ जबरदस्ती होती है। आपको शादी करने से पहले अपने होने वाले पार्टनर से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या आप सच में शादी करना चाहते हैं या आपसे ये सब कुछ जबरदस्ती कराया जा रहा है। आप उनके परिवार से अलग जाकर ये सवाल उनसे पूछ सकते हैं। अगर शादी जबरदस्ती कराई जा रही है तो आप उस रिश्ते से जरूर पीछे हट जाएं। हर परिवार के अपने रीति रिवाज होते हैं, इसलिए इस पर डिस्कस करना बेहद जरूरी होता है। शादी से पहले दोनों को एक दूसरे के घर की परंपराएं और रीति रिवाजों के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे के परिवारों की मान्यताओं को समझना जरूरी है। अगर शादी अरेंज मैरिज है तो फाइनेंशियली बातों पर जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। अपने करियर को लेकर भी अपने पार्टनर से डिस्कस करें। शादी से पहले अपने पार्टनर से फैमिली प्लानिंग पर डिस्कस करना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि शादी के शुरुआती सालों में आप नौकरी पर फोकस करें, तो आप ये बात अपने पार्टनर से कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने पार्टनर से पूछें कि क्या वो ये चाहते हैं। खासकर महिलाओं के लिए ये सवाल बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे समाज में लोग शादी के तुरंत बाद चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी फैमिली प्लानिंग कर ले। हालांकि आज के समय में नई पीढ़ी की सोच थोड़ी बदल गई है, लेकिन वो जल्दी से फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं। अगर कोई महिला अपने करियर की तरफ शुरुआत से ज्यादा ध्यान देना चाहती है, तो वो नहीं चाहेगी कि शादी की शुरुआत में वो फैमिली प्लानिंग करे। इसलिए आपको शादी से पहले ही अपने पार्टनर से पूछ लेना चाहिए कि वो फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें बच्चे कितने चाहिए, उनकी परवरिश कैसे होगी, बच्चों के बीच कितना गैप होगा, आदि बातों पर पहले से ही डिस्कस करना बेहद जरूरी है। जब शादी के बाद नौकरी और समय की समस्या आती है तो रिश्ते में तनाव बढ़ता है। इससे बचने के लिए अपने पार्टनर से उनकी नौकरी, शिफ्ट और समय के बारे में पहले से ही डिस्कस कर ले। शादी से पहले एक दूसरे के नेचर और टेम्पर के बारे में भी जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि शादी के बाद कोई परेशानी ना आए। आपको अपने पार्टनर की आदतों और जरूरतों के बारे में पता होगा तो रिश्ता अच्छा चलेगा। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ भारत।